हाय, इस लेक्चर में मैं आपको कलर करेक्शन के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। कुछ फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं, जैसे कि एक ये ओपन करता हूँ। इतनी फाइल्स हैं, आपको कलर करेक्शन करना है क्योंकि कलर करेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। कैमरे से आपने फ़ोटो खींचा या मोबाइल से आपने फ़ोटो खींचा है, फोटोशॉप में लिया है, तो कलर करेक्शन भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कलर करेक्शन के लिए इमेज में आते हैं, मोड देख लीजिए आप। मोड जो चलता है प्रिंट आउट के लिए RGB है, अगर आपको बता दिया है जो भी RGB रखना है या CMYK के रखना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और एडजस्टमेंट में मिलता है, ये सारा कलर करेक्शन है, ये कलर करेक्शन के लिए दिया हुआ है। पहला है ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। सिंपली आपको पता है ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट क्या काम करते हैं, तो यहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रास्ट को आप करेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। प्रीव्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कलर करेक्शन ऑटो करना है, एक ऑटो पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक ही इसका कलर, ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट सेट कर देगा इस तरीके से। और ये इमेज पर आते हैं, एडजस्टमेंट लेवल्स दिखा देता हूँ मैं। लेवल्स क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये प्रीसेट दिए हुए हैं इसमें, सिंपल है, वो आप डालकर आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीसेट लाइटर करना है तो लाइटर है। और ये प्रीसेट से तो कोई खास आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा RGB से, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ पर आप RGB है, RGB तीनों पर ही इफेक्ट करना चाहते हैं तो RGB रखिए। इमेज में अगर कुछ रेड पोर्शन है वहाँ कुछ चेंज करना चाहते हैं तो रेड को सेलेक्ट रखिए। ब्लू को करना चाहते हैं ब्लू को रखिए, यहाँ पर ब्लू ज़्यादा है। मान लिए कि मुझे ब्लू पर काम ज़्यादा करना है तो जो भी इफेक्ट होगा वो ब्लू के ऊपर ही होगा। तो इस तरीके से ये ब्लू को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लू कलर जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ पर ये उसको ब्लू टोन में एडजस्ट कर देगा, या फिर यहाँ से पिक कर सकते हैं कलर इस तरीके से। कैंसिल कर देता हूँ मैं इसको, फिर से लेता हूँ और सिंपली RGB करना है तो बस ये दिया हुआ है, ग्राफ टाइप में दिया हुआ है कि इमेज के लिए ये इसको यहाँ ले जाते हैं तो थोड़ा सा डार्क होगा, यहाँ ले जाते हैं थोड़ा सा ब्राइट होगा, और सेंटर में यानी कि बैलेंस दे। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है तो ये इससे आप इन स्लाइडर्स को आप एडजस्ट करके कर सकते हैं। और इस तरीके से तो लेवल्स क्या है कि थोड़ा सा आपका जो ब्राइटन पार्ट है, डार्कन पार्ट है और जो डल पार्ट है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा, ये लेवल से काम होता है। और रेड पर मैं जाऊंगा तो अभी RGB पर क्लिक करता हूँ तो RGB पे ये सेटिंग है ऑलरेडी। रेड पर जाता हूँ तो रेड पर ये तीनों बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो ये मैं रेड को ध्यान में रखते हुए ये कलर करेक्शन कर रहा हूँ। इस तरीके से आप जो भी टोन रखना चाहते हैं या जो भी हिस्से को डार्क रखना चाहते हैं तो इस लेवल से आप कर सकते हैं। ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, प्रीव्यू इसका ऑन है।
और इतना इफेक्ट इसमें आ गया है। आपको जैसा जमता है वैसा आप कर सकते हैं। अगली इमेज लेता हूँ और अगला इफेक्ट लेता हूँ। कर्व्स हैं, कर्व्स भी बहुत मायने रखते हैं। प्रीसेट यहाँ पर दिए हुए हैं, कलर नेगेटिव, क्रॉस प्रोसेस, इस टाइप के ये इसमें रेडीमेड दिए हुए हैं। अगर आपको ये जमता है तो आप इनसे कर लीजिए और ओके कर लीजिए। ग्राफ भी ऑलरेडी इसमें चेंज होता रहता है और हर एक प्रीसेट के हिसाब से, और ओके करके आप इसको फाइनल कर सकते हैं। मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ, इतना इफेक्ट इसमें आ गया है। अगर आपको ये जमता है कलर तो ये रख लीजिए, या फिर आप मैन्युअली आपको करना है तो मैन्युअली यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं ब्लू पर जाता हूँ तो केवल ब्लू पर ही इफेक्ट होगा। ये जो लाइन है बीच में, कहीं से भी पकड़ कर आप इसको ड्रैग करेंगे तो पॉइंट नए बन जाएंगे, और इसको अंदर की तरफ या फिर इधर ऐसा बाहर की तरफ आप इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे तो इसका ये जो कर्व्स हैं, हाईलाइट है या डार्क है वो एरिया पर इफेक्ट करेगा ये। तो ये देख लीजिए, मैंने ब्लू पर काम किया है तो ये ब्लू टोन इसका अच्छा आ गया है। अगर मैं रेड में काम करता हूँ तो रेड का ये जो ग्राफ है इसको अगर नीचे करता हूँ या इसको एडजस्ट करता हूँ तो इस हिसाब से इसमें आएगा। ये नीचे से ऊपर ये लाइट टर्न हो रहा है, तो लाइट मुझे नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक टोन ही रखना है। तो इसमें भी मैं पॉइंट ऐड करके इसमें इफेक्ट, कलर इफेक्ट बना सकता हूँ जो कि थोड़ा सिनेमेटिक लगे। इस तरीके से ये दे वाला देख लीजिए और ये वाला देख लीजिए कितना अंतर आ गया है। मैं कैंसिल कर देता हूँ और नई इमेज ले लेता हूँ, नया इफेक्ट लेता हूँ। एक्सपोजर एक्चुअली जो कैमरे में होता है वो ही एक्सपोजर है ये। इसको मैं बढ़ाता हूँ तो जो बर्नआउट हो रहा है इसमें कुछ चीज़ें, जैसे कि बढ़ाने से बर्नआउट हो रही है चीज़ें, जो कि ब्राइट चीज़ें हैं उन्हें और थोड़ा सा ब्राइट कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा बर्नआउट सा भी कर रहा है, इसको थोड़ा सा डल कर दिया। एक्सपोजर ये मेन एक्सपोजर है जो कि सॉफ्टवेयर में भी होता है, कई सारे सॉफ्टवेयर में होता है। तो ये अगर मैं करूँगा तो पूरी इमेज को ये ब्राइट कर देगा, और उसके कारण क्या होगा कि आपका जो ब्राइटन पार्ट होगा वो बर्नआउट हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसको आप जीरो रहने दीजिए, मतलब इस इमेज के लिए जीरो रहने दीजिए। कई सारी इमेज होती हैं, जैसे कि मैं दूसरी इमेज देखता हूँ कोई जहाँ पर एक्सपोजर की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ये वाला ले लेता हूँ मैं एक्सपोजर। यहाँ से मैं थोड़ा सा डल करता हूँ और ऑफसेट से थोड़ा डल हो रहा है, ये कम करता हूँ तो ये थोड़ा सा डार्क हो रही है इमेज। तो एक्सपोजर एक्चुअली कहाँ काम में आएगा, जहाँ पर आपकी इमेज का टोन एक जैसा हो, कम ज़्यादा है जैसे कि यहाँ पर है, तो आप ये लेवल्स या कर्व से आप इसको सुधार सकते हैं। लेकिन एक्सपोजर पूरी इमेज के ऊपर ही इफेक्ट करता है, ये गामा करेक्शन है। इससे भी आप चेंज कर सकते हैं। गामा करेक्शन फोटोशॉप में भी है, वो सेटिंग्स में मिल जाएगा। तो गामा करेक्शन कैसा रखना है वो एक जैसा रखना है, जितना भी रखना है वो हमेशा एक जैसा ही बताएगा, उसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। गामा करेक्शन प्रिंटआउट के लिए काम में आता है एक्चुअली। तो ये यहाँ से प्रीव्यू आप प्रिंटिंग मशीन पर देख सकते हैं, ये गामा करेक्शन करके। तो ये कैंसिल कर देता हूँ मैं, इसके अलावा और दूसरी इमेज लेता हूँ, दूसरा इफेक्ट लेता हूँ मैं। ये वाइब्रेंस है, नीचे सेचुरेशन दिया हुआ है तो सेचुरेशन बढ़ता है, इससे कलर सेचुरेशन बढ़ रहा है और ये वाइब्रेंस और इसको थोड़ा सा निखारेगा कलर्स को, और कम करेंगे तो वाइब्रेंस जो सेचुरेशन की वैल्यू है उसको जीरो कर देगा या फिर कम कर देगा, और सेचुरेशन को बिल्कुल जीरो कर देंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट बन जाएगा। तो
तो जैसा भी आपको जमता है वो कर लीजिए आप। और ये ब्लैक एंड वाइट है, तो ये ब्लैक एंड वाइट भी, एक तो ब्लैक एंड वाइट ये वाला होता डीसेचुरेट कंट्रोल शिफ्ट यू, इसको करता हूँ, ये सिर्फ एक जैसा ही इमेज को बना देगा इस तरीके से। मैं इसका डुप्लीकेट रख लेता हूँ यहाँ पर, इसका डुप्लीकेट यहाँ रख लेता हूँ और इसको मैं अंडू कर देता हूँ। ये है डीसेचुरेट कंट्रोल शिफ्ट यू, इसका शॉर्टकट है। आपको डायरेक्ट ब्लैक एंड वाइट करना है तो आप कर सकते हैं, तो ये नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट का इफेक्ट आएगा। और इसको मैं लेता हूँ और यहाँ से मैं ब्लैक एंड वाइट करता हूँ, तो मैं कलर के साथ ब्लैक एंड वाइट को बना सकता हूँ। यानी कि रेड्स लिखा हुआ है, ये रेड्स को अगर मैं कंट्रोल करता हूँ तो जहाँ जहाँ भी रेड्स होगा वहाँ पर ये ब्राइट कर देगा, वरना डार्क कर देगा इस तरीके से। और ये येलो है, येलो जहाँ पर था सिर्फ उसे ही ये ब्राइट कर रहा है, कितना अच्छा अंतर आ गया है इसमें। और ग्रीन्स अगर मैं बढ़ाता हूँ तो बैकग्राउंड में जो ग्रीन ग्रास है वो ब्राइट हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला इससे। और ये श्यान थे, जहाँ पर श्यान है वहाँ पर इसे एडजस्टमेंट कर देगा, ये ब्राइट कर देगा उसे। तो ये कलर्स के हिसाब से ये इमेज को ब्लैक एंड वाइट करता है। मैं इसको डार्क कर देता हूँ, तो इतना रखता हूँ, थोड़ा सा इतना। और ये ब्लूज है, जहाँ पर ब्लूज कलर था ये उसे कंट्रोल करेगा, और मैजेंटा को कंट्रोल करेगा ये वाला। और मैं इसको ओके करता हूँ, प्रीव्यू यहाँ पर दिया हुआ है, इतना ज़्यादा अंतर आ गया है। ओके, तो इस इमेज में और इस इमेज में कितना ज़्यादा फर्क आ गया है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कलर्स को लेकर के, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बना सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको अंडू कर देता हूँ। और इसके अलावा बाकी सारे सिंपल हैं, ये फोटो फिल्टर है, सिंपल है। ओके करता हूँ तो सिंगल कलर इसमें आ जाता है। बाकी जो नीचे वाले जो हैं वो इतने मतलब कि एक तरह से रेडीमेड हैं, और जो खास खास है मैंने आपको बता दिए हैं। और जैसे कि पोस्टराइज है, आपको इसको पोस्टराइज करना है, मैं पोस्टराइज के लिए थोड़ी सी क्लोजअप अलग से निकाल लेता हूँ। जैसे कि इसका पोस्टराइज मैं करता हूँ, तो ये पोस्टर में जो क्वालिटी आती है, जो पहले जो खराब सी क्वालिटी में पोस्टर छपते थे, वो इसमें की ये क्वालिटी निकाल देगा। जितना कम करेंगे उतना क्वालिटी को खराब करेगा। तो पोस्टराइज से ये इफेक्ट आता है। आप कुछ लोगो या बैकग्राउंड वगैरह कुछ बना रहे हैं या फिर इमेज को ही कुछ इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो आप इसे दे सकते हैं सिंपली। तो कलर करेक्शन का ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और ये बाकी सारे ऑप्शन मैं बता दूंगा जब आपका ये इमेज का ये पूरा फाइल मेन्यू बताऊंगा मैं आपको, तब मैं आपको ये सारे ऑप्शंस बता दूंगा। और बाकी सिंपल है, मैच कलर अगर करेंगे आप तो ये ल्यूमिनेंस दिया हुआ है, कलर इंटेंसिटी दिया हुआ है, बाकी नॉर्मल है। कोई ये फेड करेंगे फेड हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये नॉर्मल है और इतना कोई खास नहीं है। मेन जो खास है वो मैंने आपको बता दिए, तो ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।